कुष्ठ रोग साध्य है, इससे प्रभावित उपचार से स्वस्थ हो जाते हैं। इस बात को साबित करने के लिए सहभोज का आयोजन किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिषद गुरु बालकानंद जी सेवा संस्थान द्वारा कुष्ठ रोग पीड़ितों को कंबल वितरण किए गए। सदगुरु बालकानंद संस्थान द्वारा बोंदा से मंडलोई प्रकाश गुप्ता बीएमओ डॉक्टर मनीषा मंडलोई के आतिथ्य में यह कार्यक्रम किया गया। क्षेत्र के कुष्ठ प्रभावित रोगियों को कंबल का वितरण किया गया। संचालन पप्पू गुप्ता और आभार बीएमओ डॉक्टर मनीषा ने माना। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। एवं उपस्थित सभी मेरे अपने स्वजन और आज का यह कार्यक्रम जिनके लिए आयोजित है कुष्ठ रोगी भाइयों एवं बहनों, मनुष्य जीवन में हरेक मनुष्य कड़ी मेहनत का। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेगांव में सदगुरु स्वामी बालकानंद जी परमहंस के आश्रम के द्वारा कुष्ठ प्रभावितों के सहायतार्थ एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इस शिविर के माध्यम से समाज को ये संदेश दिया जा रहा है कि कुष्ठ रोग साध्य है, कुष्ठ से जो प्रभावित होता है उपचार लेने के बाद वो स्वस्थ हो जाता है, उसके साथ में किसी भी प्रकार का फिर कुष्ठ का जो प्रभाव होता है वो ख़त्म हो जाता है। और इस बात को साबित करने के लिए आज सहभोज का आयोजन किया जा रहा है, साथ में कुष्ठ प्रभावित और आम लोग साथ में बैठकर भोजन कर रहे हैं और कड़ाके की ठंड को देखते हुए कंबलों का वितरण किया गया। इससे समाज में एक सद्भाव की मिसाल पैदा हो रही है। तो सामाजिक सद्भाव, सौहार्द और कुष्ठ रोग साध्य है, उपचार लेने के बाद कुष्ठ प्रभावित स्वस्थ है, ये संदेश दिए जा रहे हैं। क्या नाम लिखता हूँ? डॉक्टर चंद्रजीत सांवले। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।